Hey, welcome back to our channel. In today's video, I will tell you how to hide application. यानी कि इस फोन में एप्लीकेशन और गेम को हाइड कैसे करें। तो सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करेंगे हाइड एप्स। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा प्राइवेसी सेटिंग्स में जा सकते हैं, या तो फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे नीचे आइए, नेक्स्ट प्राइवेसी में जाना है। इसके बाद प्राइवेसी टैब ओपन करेंगे। प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर कई सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। यहाँ से हम ऐप लॉक, ऐप हाइड एंड फोटो हाइड कर सकते हैं। अब हाइड एप्स पे क्लिक करिए। एप्लीकेशन हाइड करने से पहले प्राइवेसी पासवर्ड एंड हाइड ऐप एक्सेस करने का पासकोड सेट करना होता है। यहाँ कॉर्नर पे सेटिंग्स में जाइए, नेक्स्ट प्राइवेसी पासवर्ड। इसके बाद टर्न ऑन प्राइवेसी पासवर्ड। पासवर्ड टाइप में पैटर्न, नंबर पासवर्ड और अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड को चूज करके सेट कर सकते हैं। इधर जो पासवर्ड सेट करेंगे वो स्क्रीन लॉक पासवर्ड से अलग रखना होगा, तो मैं इनमें से पैटर्न लॉक को चुन लेता हूँ। उसके बाद टू टाइम सेम पैटर्न ड्रॉ करके कॉन्फर्म कर देंगे। रिकवरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप कभी भी प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाते हैं तब आप इन सारे ऑप्शंस के जरिए पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन दी गई है, यहाँ पर अपने हिसाब से क्वेश्चन चूज करके आंसर लिख दीजिए। इसके बाद सेट रिकवरी ईमेल में जाके अपना वैलिड ईमेल आईडी एंटर करिए। लिंक अकाउंट पर टैप करके आप हेटअप अकाउंट को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। इन सभी रिकवरी ऑप्शन को सेट करने के बाद सेव कर देंगे। सेट एक्सेस कोड। इसके बाद हाइड किया हुआ एप्लीकेशन ओपन करने के लिए एक्सेस कोड सेट करना होगा, जो कि फोन डायलर पर डायल करते ही हिडन ऐप्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हैज लगा के 16 डिजिट के बीच में एक्सेस कोड एंटर करना होगा। यहाँ अपना पसंदीदा पासकोड डालने के बाद लास्ट में हैज लगाना होता है। उसके बाद सेव कर देंगे। एक्सेस कोड सेट करने के बाद कैसे हिडन ऐप को ओपन करना है उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब जिस भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते थे उसे टर्न ऑन कर दीजिए। इसमें हम अमेजोन, कॉन्टैक्ट, फेसबुक, गेम सेटिंग्स एंड व्हाट्सएप एप्लीकेशन को हाइड कर दिया। यहाँ हिडन टैब के अंदर आप जिसको हाइड करके रखे हैं उसका लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ टर्न ऑफ करने से एप्लीकेशन अनहाइड हो जाएंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन होम स्क्रीन एंड ऐप ड्रॉअर से गायब हो गया है। हाइड किया गया एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए फोन डायलर में जाइए। इसके बाद आपने जो पासकोड सेट किए थे वो डाल देना। आप देखिए, हाइड किया हुआ सभी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन और गेम को हाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।